सबसे पहले मन रूपी चाबी को वश में करना है। और वो कैसे? धीरे धीरे रे मना, ऐसा नहीं कि एक साथ शराब छूट जाएगी, एकदम सारी बुराई छूट जाएंगी, एक साथ सिगरेट की आदत, जुए की आदत, तांस की पत्ते की आदत, बेकार की आदत, बहुत ज्यादा बोलने की आदत, झूठ बोलने की आदत, निरर्थक बोलने की आदत, किसी का खून पीने की आदत, किसी को रुलाने की आदत, ये एक साथ नहीं छूटेगी। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा पर ऋतु आए फल होए। आज बीज बोया है तो कल थोड़ी फल देने लग जाएगा, अभी तो बीज डाला है, फिर धीरे धीरे वो पौधा बनेगा, फिर और बड़ा बनेगा, फिर वृक्ष बनेगा, फिर फल आएंगे। इतने दिन प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी। वैसे ही आज कुछ अच्छे विचार डाले हैं, आज कुछ अच्छा ग्रहण किया है, कुछ बुरा बाहर निकला है, अब धीरे धीरे इस अच्छाई को विकसित होने दो, पनपने दो, खाद पानी लगाते रहो, बार बार इसमें खाद पानी लगाकर इसको सींचते रहो। राम नाम रूपी खाद लगाओ, अच्छे विचारों का पानी लगाओ, इस पौधे को वृक्ष बनने दो, एक दिन सुंदर पुण्य रूपी फल इस पर जरूर लगेंगे। तसल्ली तो रखो थोड़ा, आज थोड़ा ध्यान करने लगे भगवान का और फिर एकदम से मन नहीं लगा, फिर कहते अरे अरे हमारा मन नहीं लगता, ये तो बहुत बेकार बात है, हमारा मन ध्यान में नहीं लगता, पूजा में नहीं लगता। एक दिन के मन, जो मन कितने दिनों से बिगड़ा पड़ा है, वो मन एक दिन में कैसे सुधर जाएगा? 60 साल तक जिसको बिगाड़ा है वो एकदम से सुधरने वाला नहीं है, इसलिए जब 60 साल इसको बिगाड़ने में दिए तो कुछ दिन इसको सुधारने के लिए तो दीजिए। मन की तरंग मार ले तेरा हो गया भजन, माला हो या न हो हाथ में कोई फर्क नहीं पड़ता, कर का मन का डाल दे तू मन का फेर, सांसों की माला पे सिमरू मैं तेरो नाम। हर मन का, कई बार हाथ में माला फेरते हैं लेकिन कई बार अहंकार भी आ जाता है, मैंने तो 25 मालाएं फेर ली सुबह से शाम तक, तो तेरी वो सारी माला बेकार हो गई। इसका मतलब तू माला के मन के गिनने में लगा रहा, तू माला को गिनने में लगा रहा, तेरा ध्यान तेरा मन उस परमात्मा में तो लगा ही नहीं। कर का मन का, संतों के एक एक शब्द में इतना रहस्य छुपा हुआ है। कर का मन का, कर माने हाथ, ये हाथ का मन का डाल दे और तू मन का फेर, हाथ का मन का छोड़, अब तो मन से हर एक मन का बनाकर सांसों की माला को ही फूल माला, उसी लड़ी में तू बस हर श्वास पर सुमिरन कर परमात्मा का, हर श्वास पर उसको याद कर। ऐसा जीवन होना चाहिए, ये तब वश में होगा, धीरे धीरे प्रयासों से अपनी बुरी आदतों को छोड़ सकते। ये 7 दिन की कथा इसीलिए है, एक दिन में एक अच्छाई अंदर ले जाओ और एक बुराई बाहर निकाल दो। 7 अच्छी बात भीतर गई और 7 बुरी बाहर निकली तो निश्चित रूप से वो फिर विकसित होने लगेंगे। बेशक एक अच्छाई रोज ग्रहण करो और एक बुराई को रोज निकालो। मन की तरंग मार ले तेरा हो गया भजन, वाणी का स्वर सुधार ले तेरा हो गया भजन, आया कहां से कौन तू और जाएगा कहां, बस इतना ही तू विचार ले तेरा हो गया भजन। दुनिया तुझे बुरा कहे पर तू शेर बन के जी, क्योंकि दुनिया तुम्हें जानती नहीं है, तुम जो हो वो खुद तुम पहचानते हो खुद को, क्योंकि तुमसे बड़ा तुम्हारा मित्र कोई हो ही नहीं सकता। दुनिया तुम्हें समझ नहीं पाती क्योंकि दुनिया तो जो देखती है वैसा समझती है, लेकिन मैंने कल भी कहा था कि जो दिखता है हमेशा वो सच नहीं होता, उसके पीछे भी कुछ है जो दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए दुनिया तुझे बुरा कहे, बहुत लोग कहेंगे बड़े भागवत करवाते हैं, बहुत लोग कहेंगे धर्म का कार्य करवाते, क्या जरूरत है इतना पैसा खर्च करने की,
बहुत लोग कहेंगे, पर एक बात आप समझ लेना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप अच्छा करोगे तो भी कहेंगे, बुरा करोगे तो भी कहेंगे, कुछ करोगे तो भी कहेंगे और कुछ नहीं करोगे तो भी कहेंगे जरूर। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि वो करो जो आपकी आत्मा को अच्छा लगता है और परमात्मा को अच्छा लगता है। अगर डरना है जीवन में तो केवल उस परमात्मा से डरो और अपने आप से डरो, बाकी तीसरे व्यक्ति की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। खुद से डरो, क्योंकि खुद से कभी झूठ नहीं बोल पाओगे, दुनिया से झूठ बोल दो। दुनिया तुझे बुरा कहे पर तू शेर बन के जी, पर आदत बुरी सुधार ले, तेरा हो गया भजन, मन की तरंग मार ले, तेरा हो गया भजन। ये बुरी आदतों को सुधार लो, भजन कोई दिखावे का काम नहीं है, भक्ति कोई दिखाने का, चंदन टीका लगाने से भी भक्त नहीं कहलाओगे, बड़ी कंठी धारण करने से भी भक्त कुछ पास में नहीं है, फिर भी तेरे पास में कृष्ण नाम पर विश्वास है, वो सबसे बड़ी तेरी कंठी है, सबसे बड़ा तेरा तिलक है, तेरी सामग्री है पूजा की, विश्वास एक ऐसी सामग्री है।